हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विवेकानंद फ्रॉम अल्फा क्लास। बेटा, कल आप लोगों का नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी आपने बहुत अच्छे से की हुई है और प्रेशर लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहूँगा, इनको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे को लास्ट मिनट का पुश चाहिए होता है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे आप क्रिकेटिंग ग्राउंड में मान लीजिए बैटिंग कर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा शॉट लगाया, अगर बाउंड्री के इस तरफ गिरा कैच आउट हो सकते हैं, बट उस तरफ गया तो सिक्सर ही जाएगा। तो कुछ इस तरह का टिप्स है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा का पूरा सिलेबस अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो भी, और अगर पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं किया तो भी बेटा, नेट के एग्ज़ाम में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं कि मिनिमम 15 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कोई भी बच्चा कभी भी अटेम्प्ट कर सकता है बिना पूरा सिलेबस थोरोली किए। हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके भी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कुछ बरस पहले नेट में क्वेश्चन आया था, 10z इज एंटायर फंक्शन, जस्टिफाई करना था इसको। आप सबको पता है भाई, 10z इज इक्वल टू साइन जेड बाई कॉस जेड, एंटायर कहाँ से होगा। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, सच में आती रहती हैं। अच्छा, सेकेंडली, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है बेटा आप लोगों को, क्योंकि पेपर के बाद अक्सर बच्चों से सुना जाता है, भाई मेरे को ये पहले करना चाहिए था, मैंने इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उन सब से बचने के लिए, अगर आपकी तैयारी वाइब्रेंट है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने पिछले 6 से 8 महीने ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की है, बेटा मैं पर्सनली चाहूँगा आप पार्ट सी से शुरू करें। एक मैथमेटिशियन को ट्रू मैथमेटिशियन पार्ट सी ही बनाता है, एक रिसर्चर को ट्रू रिसर्चर पार्ट सी बनाता है। नेट का एग्जाम का मतलब पार्ट सी का एग्जाम, और ये जो मैथमेटिक्स है ना पूरा, वो पूरा फूल की तरह खिल के आएगा पार्ट सी में। अगर आप पार्ट सी ढंग से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, टॉप 100 नहीं टॉप 10 में आ जाएंगे। पार्ट सी कीजिए, फिर पार्ट बी कीजिए, फिर पार्ट ए कीजिए, ये तब जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अच्छा, अदर वे राउंड आते हैं, मान लीजिए तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, देखिए नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चा, तो तैयारी तो करके जाएगा बट उतनी ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, फिर भी आप पार्ट ए से शुरू कर सकते हैं, फिर बी कीजिए, फिर सी कीजिए। पास्ट ईयर एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं, समटाइम्स नहीं मैनी टाइम्स, काफ़ी सारे बच्चे पार्ट ए के क्वेश्चन देख के इतना खुश हो जाते हैं कि उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, फिर पार्ट बी के लिए टाइम तो बचता है, लेकिन जैसे ही वो पार्ट सी में जाता है बेटा, वो 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा निकाल ही नहीं पाते। जबकि पार्ट सी लाइफ है भाई, वही तुम्हारा सिलेक्शन करके देगा, उसी वही डिपेंड करेगा फ्यूचर में क्या करोगे, उसी पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं नहीं बोलूंगा आपको कि इस तरीके से करो, या तो पार्ट बी से शुरू कीजिए या सी से, और मैथमेटिशियन को तो सी से ही शुरू करना चाहिए। पार्ट ए में बेटा, पार्ट ए ऐसा है जिसमें 5 to 7 क्वेश्चंस कोई भी बच्चा कभी भी कर सकता है, बिकॉज वो स्कूल प्लस कॉलेज बेसिक लेवल से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है बेटा, तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे से पेपर कीजिए, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, दिल से शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।